क्या लगता है, 3 साल पहले उनके, 3 साल पहले उन्होंने इस चीज के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़ एक सिम लॉन्च की जियो। आप और हम अपने आप को बहुत अकलमंद मानते हैं। मैं एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहता हूं, यहां कितने बिजनेसमैन है जिनका कोई भी बिजनेस है, कैसा भी बिजनेस है, प्लीज हाथ खड़ा करें। सर आपका किस चीज का बिजनेस है? कंप्यूटर का, ओके, कंप्यूटर बेचते भी हैं, सेल भी करते, खाली सर्विस पार्ट्स वगैरह भी बेचते, ओके। आपका पीयूसी है इधर, आलू की आज का बिजनेस है, ओके। और इधर आपको किसी ने हाथ खड़ा किया? खेती का, हाँ बिजनेस ही है, आलू की आज का बिजनेस है। तो कल से सबको 1-1 किलो प्याज फ्री देना है और 1 साल तक देना है। क्या करेंगे? नहीं, फ्री देना है, भाव वाव नहीं, वैसे नहीं देने, हाँ बजट में नहीं है और देना भी नहीं चाहिए अगर बिजनेस में। सर आपकी खेती है, कल से इनको 1-1 बोरी गेहूं 1 साल तक सबको देना है फ्री। कहां से देंगे? और हो भी तो देना चाहिए क्या भाई? हो भी तो देना चाहिए। मान लो सुनार की दुकान है तो 1-1 अंगूठी गिफ्ट करना है 1 साल, नहीं देना चाहिए? बात सही है, बिजनेस है तो क्यों देना चाहिए? इस आदमी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए, आपके तो और भी 10-20 लाख होंगे, और इसने ये सिम फ्री दी, फ्री में बात कराई 1 साल, फ्री में डाटा दिया। कितने रुपए लगाने के बाद? 2.5 लाख करोड़। हुआ ऐसा? जैसे किसी को पता लगा फ्री मिल रहा है, आदमी जुड़ा, उसने 10 लोगों से बात की, 10 जुड़े। जैसे आप ये मीटिंग सुन के गांव में बात करोगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोगों ने पूछा क्या करना है, आधार कार्ड ले, जुड़ जा। आपके में भी यही है, आधार कार्ड ले, जुड़ जा। जुड़ते गए लोग, जैसे ही ये लोग करोड़, 10 करोड़ 20 50 करोड़ लोग हुए, तो मुकेश अंबानी ने रात को भारत को मैसेज दिया, कल से फ्री सेवाएं बंद। लोगों ने पूछा बंद क्यों कर दी? बोले यार 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाया, बंद कर दी, अब पैसे लगेंगे। बोले अब क्यों लेना चाहते हो, फ्री क्यों दिया? बोले आदत लगाई तू, और आज देखो कैसी आदत लगाई। 1-2.5 साल के बच्चे को ऑनलाइन गेम ना दिखाओ, दूध पीना छोड़ देता है। आपने मोबाइल हटाओ, वो दूध हटा देता, फिर उसकी माँ बोलती है दूध पीना, फिर अब ये 2.5 साल का नहीं मानता, इसके माँ बाप माने, अब ले रहे हैं सर। और जैसे ही फिर 10 करोड़ और जुड़े, अभी 60 करोड़ है मुकेश अंबानी के पास, और इनका टारगेट है पूरे भारत। जैसे ही 60 करोड़ हुए, तो फिर इन्होंने भारत को मैसेज दिया, जियो से जियो, जियो जियो के अलावा नहीं जियो। आया कुछ दिन पहले, जियो से जियो जियो यानी फ्री, जियो के अलावा नहीं जियो। और जैसे ही ये आंकड़ा और 10 करोड़ क्रॉस करेगा, फिर इनका एक मैसेज आएगा, अब जियो से भी नहीं जियो, अब हर चीज का पैसा लगेगा। क्या लगता है इसके लिए? पूरे भारत में नंबर 1 का फाइबर बिछाया, इतने टावर खड़े किए, कितने प्रशासन से लड़ाई हुई होगी, पूरे भारत की रोड खोदनी, टावर खड़े करने, कई जगह प्रशासन लड़ गया, तो इनको लोगों ने कहा धीरू भाई, मुकेश अंबानी, धीरू भाई इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गए, आपके पास इतना बड़ा एम्पायर है, आप इस झंझट में क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उनका जवाब सुनना, उन्होंने कहा ये एक्टिव इनकम होती है, ये पैसिव इनकम होती है। एक्टिव मतलब
आपका माइंड, आपका टैलेंट, आपका शरीर जिस चीज में काम कर रहा है, जब तक करेगा पैसा आएगा, जिस दिन नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। लेकिन पैसिव इनकम, एक बार अपने टैलेंट से, अपने शरीर से अपना नेटवर्क तैयार करो, आप नहीं भी रहे तो 7 पीढ़ियां इसका पैसा खाएंगी। तो जब यह बात इन्होंने कही तो भारत में आपको पता तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं लोग, तो लोगों ने कहा ये काम अच्छा था। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे बाद में नहीं संभाल पाते, तो तर्क वितर्क, तो लोगों ने कहा आपने धीर भाई का संभाला क्या नहीं, आप भी तो उनके बेटे हो, तो जब आपने उनका संभाल लिया आपके बच्चे आपका संभाल लेंगे। तो उनका अगला जवाब सुनना मुकेश अंबानी का, उन्होंने कहा अनिल अंबानी मेरे साथ ही पढ़ा था, एक ही स्कूल, दोनों विदेश में, लेकिन वो टैलेंट में फेल हो गया, रिलायंस खत्म हो गया उसका। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं आपको पता है कुछ दिन पहले अनिल अंबानी का अरेस्ट वारंट आ गया था, और मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए बैंक को जमा किया घर की इज्जत बचाने के लिए। उन्होंने कहा जब मेरा भाई फेल हो सकता है इस प्रोजेक्ट में, क्या गारंटी मेरे बच्चे चल पाए, मेरे में टैलेंट था मैं खड़ा कर गया, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे नहीं भी कर पाए तो ये सिस्टम 7 पीढ़ियों तक पैसा देगा। तो आप चाहते हैं ऐसी पैसिव इनकम, तो कल 2.5 लाख करोड़ लगाओ, वो तो तभी आए, नहीं है? चाहते तो हो? 19 साल पहले आरसीएम ने नारा दिया इस देश को, आरसीएम ने कहा आपके पास पैसे नहीं है, पैसे मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी आप करो, जोड़ा जाड़ी आप करो। और मुकेश अंबानी आज क्या बोलते हैं, मेरे साथ आज जुड़ो, मैं जोड़ा जाड़ी के पैसे लेता हूं। और आरसीएम बोलता है मेरे साथ आप जुड़ो, मैं जोड़ा जाड़ी के पैसे देता हूं। और इसके बाद भी आपके समझ में नहीं आता तो आप मुकेश अंबानी से ज्यादा समझदार हो, फिर तो जाते ही हो, करना चाहिए ये काम। यहां से ये सफर स्टार्ट होता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, बड़े ध्यान से देखना, कितनी तरह से, 3 तरह से। पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा 8% रॉयल्टी बोनस, तीसरा 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे तो ये बिजनेस शुरू में ऐसा चलता है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, मुझे आपका एक लाइन बताए या ना बताए, ये बिजनेस